तो शब के जूस भी आ गया है। सभी दो पिएगी तू? कहाँ जा रही बात? इसको बोलते जिंदगी का मजा लूटना। यस तो अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका इरफान शबाने के ब्लॉग में। ब्लॉग में आज ब्लॉग ये बना रहे कि आज कुछ बनाने का ही नहीं, आज खाना ही नहीं बनाएगी क्योंकि तबीयत इसकी जो ठीक नहीं है। डॉक्टर वाले तीन दिन से इसकी तबीयत खराब है, लूज मोशन हो रहा है, पेट में दुख रहा है इसके, कब से बोल रहा चल चल तो नहीं चलती थी, आज जीत करके इसको ले जाओ। आज तो सुबह खाद में गई तो टपक गई, टपक गई यहाँ तो इसकी लंबी उम्र होगी। अल्लाह करे तो सुबह सुबह का सब सुबह का सपना देखी होगी, डर लगा था सुबह का सपना जल्दी सच हो जाते। फिर पूरे दिन में क्या क्या होगा फिर आप लोगों को बताएंगे, डॉक्टर भाई जाए तो डॉक्टर क्या बोलता है फिर वो बताएंगे आप लोग को, फिर क्या क्या पूरे दिन में करेंगे वो एक एक चीज़ आप लोग को जरूर बताएंगे, है ना। डेली ब्लॉग बनाएंगे, डेली ब्लॉग बनाएंगे, आज कुकिंग नहीं रही, आज वैसे ही प्यार करना जैसे पहले करते थे। तो चलो क्या क्या होता है अभी आप लोग को, डॉक्टर पास जाते डॉक्टर चला जाएगा। चलो अभी भाग रहे हैं, अभी भाग के जाएगी डॉक्टर के पास, हम लोग भाग के ज्यादा खा ले, उस टाइम फर्स्ट टाइम कमजोरी लग रही, कमर में भी दर्द हो रहा है, सब जगह दर्द चल। तूने फर्स्ट टाइम खाई होगी ना दाल गोश्त? नहीं, अल्लाह को मालूम थी, दाल गोश्त खाई थी, चाटू भाजी रोटी भी खाई थी ना, तो हजम नहीं हुआ शायद, अल्लाह को मालूम क्या हुआ, तो सबने खाया किसी को नहीं हुआ, मेरे को अकेले को तो नहीं, मेरा हाजमा शायद खराब हो गया होगा इस बारिश के मौसम की वजह से। तो मैं शब को लेके डॉक्टर साहब के पास आ चुका हूँ क्योंकि तीन दिन से उसकी तबीयत खराब थी तो जाने को तैयार नहीं थी, तो कल हम लोग रात में गए थे तो डॉक्टर विजिट पे चला गया, तो हम लोग चले अभी नहीं गए, तो आज जिद करके उसको लेके आया मैं, उन्हें चला दिखाई दे डॉक्टर को कि क्या है, तो वही बताएंगे क्या हुआ, है ना शब। तीन दिन से उसको खराब है, आने को तैयार नहीं है, छोटे बच्चे। चलो अभी डॉक्टर साहब उनको दवा देंगे, क्या देते अभी आप लोग को बताता हूँ। डॉक्टर साहब जब भी वीडियो चाहते इतने मुस्कुराते, इतना अच्छा होते, बोले मैं तुम्हारे से पैसे नहीं लूंगा, तो वीडियो निकालते बहुत अच्छा लगता है, मेरी पूरी फैमिली देखती है, खुश होती है ना। डॉक्टर साहब तुम बोले ना कि हम लोग आए तो बोले बहुत अच्छा आए, तुम आए तो बुला रही है। तो चलो डॉक्टर साहब देख के बताएंगे आप लोग को, बोलता हूँ आप लोग 11 बजे रात को भाग जाते हैं सुबह दोपहर में। तो शब दवा लेके घर पे आए, मैं भी साथ में आया, आके फिर शब जाके सो गए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं, सर भी दुखने लगा था, उसका पेट भी दुखता था, तो दवा ले ली, अभी तो अच्छा है, तो खाना ना खाई और फ्रेश होके बैठी है आइजल को लेके, क्योंकि नौशीना डानिश गए घर पे, वो कुछ काम कराने उधर, तो बोले आइजल को नहीं जाते थे, आइजल को तुम संभाल कर, मतलब ठीक है, गैस चढ़ गया ना, सर बंद होगा टॉयलेट तो गैस चलेगा, आधा सर चालू हो गया था ना, राजा के बाजू में मैं भी कब सो गई क्या मालूम, मतलब भी उठी उठकर ऐसी खाना ना खाई है ना, लो बाल में करने का था मेरे को। अच्छा आज जुमेरा था ना, चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ठीक है ना। तो चलो अभी जा रहा नीचे, नीचे बकरे को भी खिला पिला दूँ, फिर गोदाम जाके दिखाऊँ, जाऊँगा तो गोदाम का भी आप लोग को जरूर दिखाऊँगा, और जैसे जैसे होता जाएगा बता दिया, अब्बा अब्बा नहीं दिखा रहे, अब्बा शर्मा ले ले ले। चल तो आज दिन ही बहुत उदास जैसा गया, जैसे आज सुबह से एकदम सुस्त सुस्त है, एकदम घर भी काटने को दौड़ रहा था, तो कुछ अच्छा लग रहा ही नहीं था, क्या करे क्या नहीं, शब भी बीमार रहती थी, आइजल की भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर नौशीन दानिश भी रूम के अंदर बिजी है बनाने में, फिर अभी ये लोग आइजल और दानिश और नौशीन चले गए, तो शब को चल अभी घूम के आते किधर, अपन भी घूम लेते हैं जो मन जो अच्छा हो जाए, तो शब बोलती नहीं जाने तो उल्टी सा हो रहा है मेरा, चलना बाबा कंटाल आ रहा है, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, शब तैयार हो चुकी, तो आज शब को मैं थोड़ा घुमा फिरा के लेके आता हूँ कि उसका भी दिमाग शांत हो, यानी फ्रेश हो जाए, शांत नहीं फ्रेश हो जाए, और मुझे भी कुछ थोड़ा अच्छा लगे, तो मैं उसके पूछता हूँ चल रही है कि नहीं आप लोग के सामने, चल क्या बोलती है, क्या करूँ, चल तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगा, रसगुल्ला खिलाऊंगा, एक बार ताजी हवा मिलेगी तो शायद थोड़ा अच्छा लगेगा, माइग्रेन का दर्द उठ गया है अभी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, और वॉमिट जैसा हो रहा था, तो अभी थोड़ा उनसे एक एक करी ना, मेरी यूट्यूब पे बैठ के देखी थी, ना गर्म पानी इधर साथ में रखने का, और ठंडा पानी इधर रखने का, और गर्म पानी यहाँ रखने का, तो मैं थोड़ी सेक करी ना, तो थोड़ा हल्का
कम हुआ तो तेरा तो तेरा जाने का मन हो गया। अरे वाह, कम हुआ तो जाने का मन हो गया। चलो ग्राउंड मार के आते हैं। तो चलो जाते हैं, थोड़ी मस्ती मजाक कर लेते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश कर देते हैं, अजेले घूमेंगे और भी जहाँ जहाँ जाएगी आप लोग को जरूर बताएंगे, और एक एक चीज आप लोग को तो बताते ही हम लोग। तो चल बाहर से सलामी देके आ जाएगी। चल अभी तो चल, कहाँ जाना है वो बोल। अभी चलते रहिए, हाजिरी दरगाह दिखेगी नहीं अभी, वो ब्रिज इतने बड़े बड़े बन गए हैं। तो थोड़ा हटा दूंगा ब्रिज साइड पे करके देख लेंगे, रास्ते नहीं मालूम पड़ते। उसी घर बोलते हाजिरी का रास्ता ही है, इतना चेंज हो गया है, चेंज हो गया अभी मालूम नहीं। मैं क्या निकलता नहीं हूँ ना कभी इसके लिए। तो चलो मुझे साथ में कोई तो चाहिए जो मेरे को रास्ते बताए, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आता कुछ भी। मैं पहले से ही एक मैंने एक होशियार औरत लेके आया हूँ, तो बेचारी सब बता देती है मेरे को। तो चलो जाते हैं, अभी शब भी तैयार हो रही है, बुर्का का पहले ही हम लोग निकलते हैं। क्या करते हैं आप लोग को जरूर बताते। तो मैं नीचे उतर चुका हूँ, शब ऊपर से उतर रही है, बुर्का का पहन लिया, मैं तैयार होकर नीचे खड़ा हो गया, क्योंकि हम लोग तो फटाफट तैयार हो जाते और औरतों को सिर्फ टाइम लगता है। तो 10 मिनट से मैं नीचे खड़ा था, ये अब जाके उतरी है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जा नहीं सकते, ये भी सही बात है। हाँ, तो मैं समझा मेकअप करने में टाइम लगाते हैं। तुम्हें क्रीम व्रीम लगा के आएगी लगता है। चलो ठीक, कहाँ जाते हैं फिर आप लोग को बताते हैं, फिर वहीं मिलते हैं। तो ये माशाल्लाह सब जगह सजावट हो रही है, दोनों त्योहार एक साथ आ गए हैं। है वो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, दोनों चीज साथ में हो गई तो माशाल्लाह हर जगह रौनक ही रौनक हो गई है। सब खुश खुश, हाँ सब खुश है माशाल्लाह। देखो कोई भी नहीं, सब लड़ाई झगड़े वगैरह कुछ नहीं है, सब अच्छे से माशाल्लाह हो रहा है। अल्लाह ऐसी हमेशा सबके दिल में मोहब्बत रखे और सब मिलजुल के रहे। और अभी हम लोग आ गए हाजी की दरगाह के पास माशाल्लाह। अभी इबू को रास्ता नहीं मालूम पड़ा है, कहाँ से आ रहे थे वहाँ से जा रहे थे। हाँ मैं उधर जा रहा था। हाँ इधर तो आ गए दरगाह के पास, देखते हैं दरगाह दिखती कि नहीं दिखती बाहर। चलो वहाँ जाके दिखा। तो हम लोग अजेले की दरगाह पे आ गए, लेकिन जैसे कुछ दिख रहा नहीं है क्योंकि पूरा पैक कर चुके हैं ये सब। तो मैं बोला शब चल आगे जाके मामा अजेली वो भी देख लेंगे, वहाँ से वर्ली शिपे बहुत टाइम से गए नहीं, वहाँ भी चले जाएंगे। तो बोला तेरे को शब आज कुछ जो भी खाना है बोल दे। तो शब बोलती मेरे को अजेली का पिज्ज़ा और जूस पीना है ना। पहले मैं पीती थी, पहले आए थे छोटी थी, उसके बाद शायद कभी पिए नहीं, याद नहीं है। पहले बहुत आते थे खाते पीते थे, अभी नहीं आते। बहुत सालों बाद आए थे, पिज्ज़ा खाइए और हाजेली का जूस पिए। जूस हाजेली का जूस की दुकान का जूस, हाजेली हाजेली की दुकान का जूस पिए। देखो लिखा हुआ है हाजेली, नाम भी हाजेली। चलो उसका क्या जूस और पिज्ज़ा खाते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। क्या क्या होता है आप लोग को जरूर बताएं। तो शब का पिज्ज़ा आ चुका है, बड़े बेचैनी खाने में ना, रुक जा पहले पहले पुडियो बना लो फिर खा। चल ले, तो भूख लग गई तेरे को नहीं। अभी और क्या मंगाई, जूस ही मंगाइए। चलो ठीक है, तो पिज्ज़ा आ गया, खाते मौसम जूस आते पीते फिर आगे जाते आप लोग से। तो शब के जूस भी आ गया है, सिर्फ दो पिएगी तू तो बोले हवा खाई तो मैं भूख ज़्यादा लगी। अच्छा तो जूस भी आ चुका है ना, तभी जाएंगे फिर उधर जाने का, किधर जाना अभी। चलो ठीक है ना, चलो अभी जाते हैं फिर बताते। हम लोग यहाँ से निकल गए माशाल्लाह, देखे तो इतना बड़े बड़े ब्रिज बन गए फू, तो हाजेली की दरगाह का नामो निशान नहीं, किधर भी किधर से भी नहीं दिखी। देखो ना ओ, अंदर ही आना पड़ेगा फिर। कहाँ पे बोला कल चलते, बोले नहीं अभी चलो। दिखी 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 फू, तो मीनार दिखा देखो, वो रहा दिखी। देखो माशाल्लाह ब्रिज कैसे बने, बाप रे। और एक यहाँ पे अपन हवा खाने आए थे, लेकिन अब पहले से मजा आ रहा है। देखो ना कर दिए, जो नज़ारा देखने मिलता था अब वैसा नज़ारा नहीं। अरे मैं भी थोड़ा दिखा ना मेरे को, तो मैं बोली समुद्र के अंदर कार चल रही है, तो देखे तो ब्रिज है ना वहाँ पे, वो ब्रिज के ब्रिज बना दिए ऊपर, कार दिख रही है, पूरा चेंज हो गया था, पूरा चेंज। पहले कितना खेलते थे वो यहाँ पे, हम लोग आते थे अरे अपन कार सीख बाइक सीखने भी यहाँ पे आते थे, मैं यहीं चला। मजा नहीं रहा। हाँ बस ब्रिज ब्रिज ब्रिज, ये ब्रिज पूरा रास्ता पैक था। अच्छा लग ही नहीं रहा कि अपन सीफेस पे आए ले, देखो ना कैसा है पूरा पैक पैक है। लग ही नहीं रहा अपन सीफेस पे आए ले, पूरा
है ना, पूरा पैक कर दिया। पानी वो पानी नहीं दिखता था, अभी बैठते थे तो पानी पे। पहले की मज़ा बहुत अच्छी थी, अभी अब वो मज़ा नहीं रहा। अब तो ऐसा हो गया कि बस अपने अपने घर में रहो और उधर ही बैठे रहो बस। और जिसका घर समंदर का है वो समंदर के नज़ारे करो, नज़ारे करो। चौपाटी जाके नज़ारे करो, चौपाटी पे भी हमारा बड़ा ब्रिज बन जाएंगे। नहीं नहीं वहाँ तो है नहीं। तो अभी यहाँ से हम लोग, हाँ एक बात तो बोला, हम अपन अजली से निकले, मतलब मामा अजली देखेंगे, तो मामा अजली भी नहीं दिख रहे, सब गुम गुम हो गया, पूरे बीच बीच बन गया ना। यहाँ से अभी कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं, अभी सोचते हैं, सबसे ही पूछ लेता किधर जाना है, वही बताएगी तो अभी उधर ही चलेंगे। क्योंकि आज मैंने उसको पूरी रात दे दिया कि तू जहाँ बोलेगी वहाँ ले जाऊँगा, खाने का बोली तो खाना भी खिला दिया, अभी और खाना तो वो भी खिलाऊंगा, आज इसको मना नहीं है। एक घंटा घूम लोगे मेरे साथ, बहुत बड़ी बात होगी, पूरी रात की बात, 2 घंटे बजेगी। अभी किधर जाना है? मैं ले जाऊंगी इधर, तू रोन खा के ना देखो, मैं चला आती हूँ, आप लोग रोन खा के आ जाओगे तो वापस आऊंगी ऐसा? नहीं नहीं अभी नहीं। अरे मैं यहाँ तक तो जा खाली, चला के देख, तो ये नाके तक थोड़ी जा, जाती की नहीं कैसे जाऊंगी, आने का अरे मैं आऊँगा ना, चलना तो पैदल जाता रहता हूँ, जा तो सही। तो अभी शब गाड़ी चलाने वाली है, फर्स्ट टाइम चलाएगी बगमैन, तो देखते हैं अपन कैसा चलाती है और कितना डरती है कि नहीं डरती है, वो देखते हैं अपन। तो मैं तुम लोग को आगे से दिखाता हूँ कि इसका चलाने का कैसा तरीका होगा, क्या है। तो शब चालू कर रही है, लाइट जली, लाइट जली, ब्रेक दबा, हाँ अरे वो चालू करना बटन, लाल वाला नीचे कर दबस, हाँ अभी कड़ी बोलती है, चलो। अरे वाह अरे वाह, कहाँ जा रही बारिश का, वाह अरे वाह। तो चलो उसके पीछे से जा रहा हूँ मैं, फिर वहाँ से निकल जाऊँगा, फिर आगे क्या होता है फिर आप लोग को मैं बताता हूँ। मेरे पैर नीचे नहीं जा रहे, बाइक ऊँची है। तो ऊँची है तू, बाइक ऊँची नहीं है, तू छोटी है। तो एक्सेस तो छोटी जाती है ना बेटा, हाँ नहीं रे पापा मुझे डर लगती है, तू चलाए जो हिसाब से ना, तो हिसाब से थोड़ा डर लगती है, अभी आदत पड़ जाएगी। हाँ चल ठीक है, चलो बस। तो एक फरमाइश शब की पूरी कर चुका, दूसरी फरमाइश बोलती मेरे को बेल खाना है, तो मैंने थोड़ा आगे लेके आ गया उसको, बेल खिलाने लेके आ गया हूँ, और ये बैठी है, और बेल ऊपर है ये नीचे है, ये अजीब है यार। अरे यहाँ बैठने अच्छा लग रहा है, इधर बेल बना रहे हैं, बेल इनकी बेल एकदम फेमस है तुम्हारी इधर, मैं सुना। और देखो अंबानी की बेटी का घर, इसकी बेटी को गिफ्ट दिया था किसने, अंबानी, हाँ इंशा अल्लाह मेरे पास भी आएगा तो मैं भी दूंगा इंशाल्लाह, आमीन। तो चलो अभी बेल खाती है, बेल खा के किसी फरमाइश क्या करती है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। हवा लगी तो बोली ना, हवा लगती है, भूख लगती है, हाँ थोड़ा भूख लगती है, चलो ठीक है ना। और कुछ नज़ारे देखने मिलते नहीं वहाँ के यार। चलो भेल आ गई है, भेल खा रही है, मैं भी चक्के देखता हूँ कैसी बनी है ना, बताओ भेल। तो हम लोग हमारा बचपन याद आ गया नी, कैसा मेरा तुम्हारा बड़े थे तेरी बचपन ही बोला जाएगा ना भाई। अब वो ये आज ये याद आ गया, देखो मस्त बैठे नीचे है ना, हमारी दोनों वहाँ खड़ी है, हम लोग नीचे बैठ के मस्त खा रहे हैं, तो इसको बोलते जिंदगी का मजा लूटना। यस सबकी तीसरी फरमाइश पूरी कर चुका, उसको फ्राइड राइस खाने का था तो फ्राइड राइस ले लिया, और शब आ रही है लेके, ले ली तीसरी फरमाइश, अब ये फरमाइश कोई बस खत्म ना, अभी चलो अभी घर जाते हैं, घर जाके क्या होगा अभी आप लोग को बता दो, बाद में बता। तो मैंने शब की सब शर्तें पूरी कर दी, तीन थी, ज़्यादा नहीं थी, बेचारी ने मेरे तो तरस खाई, बोले तीन करना बाकी कल देखेंगे, मतलब नहीं जो करना आज ही कर, कल कुछ नहीं। तो बोले नहीं 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 नहीं, फिर मतलब चल ठीक है कल भी एक चांस और दे दूंगा तेरे को, है ना। चलो इस बहाने लेके तो गए, और मेरा दर्द सर का दर्द भी कसम से बाहर गए ना, जरा हवा लगी ना तो अच्छा होता, फिर भी दवा ली उसने डॉक्टर से, दवा ले ली, कभी अल्लाह ना करे मेरे को होते रहता है, कभी भी मेरे को ना माइग्रेन का अटैक है ना आते ही रहता है, क्योंकि मैं रात को जागती हूँ, नींद नहीं मिलती ना, उसकी वजह से मेरे को ना माइग्रेन का अटैक आते रहता है।
दवा भी ले ली, फ्राइड राइस भी ले ली, 330 ने पूरी कर ली, फ्राइड राइस ले ली, भेल खा ली, पिज्जा खा ली, जूस पी ली, बहुत मजा आया, लेकिन अच्छा लगा, सुकून था, बहुत धमाल मस्ती थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी इंशाल्लाह अपन दरगाह पे जाएंगे, अंदर इंशाल्लाह जाएंगे, अंदर जाके बैठेंगे सुकून से, टैक्सी में जाएंगे, बाइक हाँ टैक्सी में, टेंशन नहीं पड़ने का, टैक्सी में जाएंगे, टैक्सी में फिर उधर भी जाएंगे, जो होता है आप लोगों को दिखाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है ना, बस आप लोग भी दुआ करना कि हम लोग के जोड़ा हमेशा सलामत रहे, अल्लाह बुरी नजर से बचाए और हमारे बच्चों को हर बला मुसीबत से बचा, अल्लाह सबको बचाए, आप लोगों को भी बचाए, अल्लाह हर किसी की दुआ कबूल करे, जो बच्चे दुआ करने बोलते हैं, जो वो सब हर चीज की दुआ कबूल करे, कब किसकी दुआ कबूल होती है कोई भरोसा नहीं, इतने जानो के जैसे अगर एक मतलब क्या बोलते हैं, बुरा बंदा भी रहेगा ना, उसकी अच्छाई रहेगी ना, अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है, और जो नेक इंसान रहता है उसको कितना भी कर ले, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं करता है अल्लाह, सब नियत, सब नियत पे दावा मिला, उसके लिए बोलते हैं हर किसी के अच्छी बातें करो, अच्छा काम करो, लोगों के लिए कुछ करो, हाँ सोचो। चलो इधर ही वीडियो एंड करता हूँ, अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ, भी दबे फिर भी दबाओ।